वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। YouTube में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, विच इज अ पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, करंट अफेयर की सीरीज में आज हम आगे के प्रश्नों को देखेंगे। अगस्त 2023 के टॉप एमसीक्यू हम देख रहे हैं तो हमने 275 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम 276 नंबर का प्रश्न देखेंगे और इसके आगे के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 276 नंबर का प्रश्न दिया गया है, देश भर में हर वर्ष सद्भावना दिवस हम किस दिन मनाते हैं? तो सद्भावना दिवस हम मनाते हैं 20 अगस्त को। इम्पॉर्टेंट डे से एक ना एक प्रश्न हर एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिए सद्भावना डे सद्भावना दिवस 20 अगस्त। 24 अगस्त 2023 से G20 व्यापार और निवेश मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो ये जयपुर में आयोजित की गई थी 24 अगस्त से। इसके बाद अगला प्रश्न है, हाल ही में फिल्म पाथेर पांचाली के साथ G20 फिल्म महोत्सव की शुरुआत की गई, इस फिल्म के निर्देशक कौन है? इसके निर्देशक सत्यजीत रे थे और ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि G20 से संबंधित है। G20 फिल्म महोत्सव की शुरुआत की गई जिसमें पाथेर पांचाली का निर्देशन, मतलब ये शुरुआत की गई थी यहाँ से, इसके निर्देशक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 कौन करेगा मेजबानी? तो ये मेजबानी हंगरी के पास गई है, हंगरी की मेजबानी करने वाला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा जोड़ रस्ते योजना लागू करने की घोषणा की है? तो ये योजना कहाँ पर लागू की जाएगी? महाराष्ट्र राज्य में। अगला प्रश्न है, हाल ही में चीन द्वारा भारत के किस राज्य के 3 वुशू खिलाड़ियों को नत्थी वीजा जारी किया गया है? तो एक प्रकार का वीजा है जो कि जारी किया गया है वुशू खिलाड़ियों के लिए और ये किस राज्य के हैं? अरुणाचल प्रदेश के हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, महिला फीफा विश्व कप 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? उपरोक्त दोनों ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों के द्वारा की गई है। इसके पहले वाला जो प्रश्न है यहाँ पर स्टेपल्ड, याद कीजिए स्टेपल्ड वीजा, ठीक है, इस नाम से जरूर आपको ज़्यादा अच्छे से याद हो जाएगा। ये हिंदी में कई बार क्या होता है, हिंदी के शब्द कठिन होते हैं, अंग्रेजी के ज़्यादा आसान होते हैं। तो यहाँ पर हमने अभी देखा ये वाला प्रश्न, महिला फीफा विश्व कप 2023 इसकी मेजबानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ये दोनों ही मिलकर साथ में करने वाले हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में अक्षय ऊर्जा दिवस 2023 हमने किस दिन मनाया? तो ये दिवस हमने 20 अगस्त को मनाया, 20 अगस्त को ही सद्भावना दिवस मनाया था। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किसे पहले उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसी भी एग्जाम में जरूर पूछ लेंगे। रतन टाटा को सम्मान दिया गया है, पहले उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस राज्य में सेला मैंडर की एक नई प्रजाति टाई लोटो ट्रिटन जैमिंग इसकी खोज की है? तो ये थोड़ा अजीब सा नाम है, कुछ कुछ प्रजातियां जैसे खोजी जाती हैं उनके कभी अगर रिसेंट कोई एग्जाम होते हैं तो पूछ लेते हैं, ये मणिपुर में खोजी गई है, मणिपुर में इसको खोजा गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और निर्मला सीतारमण ने किस शहर में कुवी और देसिया पुस्तकें लॉन्च की हैं? तो ये दो पुस्तकें लॉन्च की गई हैं, कुवी और देसिया, कहाँ पर इनका जो इनको लॉन्च किया गया है? भुवनेश्वर में। अच्छा, यहाँ पर आपको दो नाम दिख रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान और निर्मला सीतारमण। अगर आपने ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन का ये भारत में कौन क्या है पदाधिकारियों वाला वीडियो देखा होगा तो आपसे बन जाएगा, अगर नहीं भी देखा है तो आपको पता होना चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान हमारे कौन से मंत्री हैं और निर्मला सीतारमण के पास कौन सा मंत्रालय है। तो जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताइए कि इन दोनों लोगों के पास कौन कौन से मंत्रालय हैं, ये कौन से मंत्री हैं, ठीक है, और इन पुस्तकों का नाम भी याद रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, किस देश ने साल के अंत तक गोल्डन वीजा कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है? तो ये कार्यक्रम शुरू किया जाएगा इंडोनेशिया के द्वारा। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व मच्छर दिवस हम कब मनाते हैं? तो ये भी हम 20 अगस्त को ही मना रहे हैं, इसके पहले दो दिवस और पढ़ लिए 20 अगस्त के। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राजभवन में विद्यालयी शिक्षा विभाग के कंटिन्यूड लर्निंग एक्सेस प्रोजेक्ट क्लैप, जिसका फुल फॉर्म है कंटिन्यूस लर्निंग एक्सेस प्रोजेक्ट, तो इसका शुभारंभ किया है? कहाँ पर किया है? उत्तराखंड में किया है, देवभूमि जिसको कहा जाता है उत्तराखंड, यहाँ पर इसका शुभारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अमृत वृक्ष आंदोलन का शुभारंभ किया है? तो ये असम राज्य सरकार के द्वारा किया गया है अमृत वृक्ष आंदोलन, आ से अमृत, आ से असम, याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में वाटर फेस्टिवल अंडूरी का आयोजन किया गया? ये एक फेस्टिवल है अंडूरी, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? उत्तराखंड में हुआ है,
ठीक है, जहाँ पर आपको नैनीताल सारे आपको ताल ताल देखने को मिल जाते हैं, वहीं पर यह है अंडूरी अंडूरी उत्तराखंड में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने 2 करोड़ महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो केंद्र सरकार योजना शुरू कर रही है लखपति दीदी योजना। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्थान ने दुनिया का पहला ह्यूमेनाइड पायलट पिवोट विकसित किया है? ये दुनिया का पहला इसलिए इम्पोर्टेंट है, ह्यूमेनाइड पायलट ये पिवोट इसका नाम है, किसने शुरू किया है, किसने विकसित किया है? कोरिया एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च टेक्नोलॉजी KAIST इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा, तो कोरिया के द्वारा किया गया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में विप्रो ने किस संस्थान में जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है? तो IIT दिल्ली में ये लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 20 इंडो पैसिफिक भागीदार देशों की समुद्री सेनाओं द्वारा 22वां SEAT मतलब सी कैट इसको कहते हैं, सी कैट 2023 अभ्यास आयोजित किया गया। ये कहाँ पर? ये सिंगापुर में हुआ है। सी कैट 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? सिंगापुर में आयोजित किया गया, और ये 22 नंबर का था, 22वां था। अगला प्रश्न है, लैंडस्केप्स थीम के साथ विश्व फोटोग्राफी दिवस 2023 हमने कब मनाया? 19 अगस्त को मनाया। इसके बाद अगला प्रश्न है, 297 नंबर का प्रश्न है, अगस्त 2023 में PR शेषाद्री को किस बैंक का नया MD और CEO नियुक्त किया गया? तो ये साउथ इंडियन बैंक के MD और CEO बन चुके हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने डेयरी विकास के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसको नियुक्त किया है? डेयरी विकास के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कौन नियुक्त हो चुके हैं? राहुल चौधरी, इनको नियुक्त किया गया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 299 नंबर का प्रश्न है, 39वां CISO डीप डाइव प्रशिक्षण कार्यक्रम 2023 कहाँ पर आयोजित हुआ? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, 39th नंबर का। इसके बाद हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा विकसित ई पोर्टल भारतीय वस्त्र एवं शिल्प कोष कपड़ा और शिल्प का भंडार, इसका शुभारंभ कहाँ पर किया गया? एक ई पोर्टल है, ये चीज़ याद रखें, ई पोर्टल है, फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा विकसित किया गया है, तो शुभारंभ किया हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। तो यहाँ पर हमने 300 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है, हमारे बाकी के प्रश्नों को अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ाई करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।